हे देयर चंद्रिया, आज हम सभी 21वीं सदी में रहने वाले मॉडर्न इंसान हैं जो मॉडर्न साइंस और उसके कंट्रीब्यूशन का भरपूर यूज़ करते हैं। इस समय दुख की बात तो ये है कि जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रहा है उसके साथ साथ सुपरस्टिशन और मिथ्स भी फैलते जा रहे हैं। आज कई लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि विज्ञान हार चुका है, और अगर हम ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो हमें विज्ञान की नहीं बल्कि रिलीजियस टेक्स्ट बुक जैसे कि वेद और कुरान की मदद लेनी होगी। इन्हीं में से एक है हमारे वर्ल्ड फेमस वैदिक साइंटिस्ट आचार्य अग्निव्रत। इन्होंने विज्ञान से कुछ करीब 100 क्वेश्चंस किए हैं, बट अफसोस आज तक किसी भी वैज्ञानिक के पास उनके सवालों के जवाब नहीं हैं। क्या यह हकीकत में सच है या फिर हवा में की जाने वाली बात? वेल, इस वीडियो में मैं आचार्य अग्निव्रत जी के 100 में से 15 क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूं, एंड अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो बाकी के सवालों के जवाब भी देते रहेंगे। यहाँ हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन सवालों के जवाब को जानने के लिए हमें किसी साइंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं। वेल एनीवेज, काफ़ी इधर उधर की बातें हो गई, चलो अब एक एक करके उनके सवालों के जवाब को देते हैं और जानते हैं कि अगर आपको ऐसे सवालों के जवाब सच में चाहिए थे तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ना कि साइंस को झूठा बोलकर अपने बिजनेस चलाने की। एंड गाइज, मैं बातें तो नहीं बनाने वाला, इसलिए अगर अग्निव्रत जी या कोई भी मेरे आंसर्स से सेटिस्फाइड नहीं है एंड उन्हें मैथ्स आता है तो उनके लिए मैं उन बुक्स को भी मेंशन कर दूंगा जिसमें इस चीज़ के बारे में वो खुद टेक्निकल लेवल पे पढ़ सकते हैं। एनीवेज, अग्निव्रत जी ने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया है हमसे वो ये है कि यूनिवर्स में मैटर बिग बैंग से पहले किस स्टेट में था एंड इसका क्रिएशन कैसे हुआ। वेल, यहाँ पे मैं एक रिसर्च पेपर और क्वांटम फील्ड थ्योरी की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को साइट करना चाहूँगा जो इस सवाल को काफ़ी अच्छे तरह से दे सकता है। पहला रिसर्च पेपर जिसका टाइटल द फिजिकल स्टेट ऑफ द यूनिवर्स इन द प्लैंक एरा, जिसके ऑथर ने साफ साफ बताया है कि इस एरा में हमारा ब्रह्मांड 10^-43 सेकेंड वाले टाइम इंटरवल में था एंड हमारे ब्रह्मांड में इस वक्त कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं करता था। बट ऐसा कहने से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते बल्कि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अगर प्लैंक एरा में मैटर नहीं था तो आज हमारे यूनिवर्स में जहाँ भी हम देखते हैं दूर दूर तक, वो सभी मैटर से भरा कैसे है? आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसने हमारे ब्रह्मांड में पदार्थ का निर्माण किया? वेल, बायोजेनेसिस या लेप्टोजेनेसिस। अब मैं यहाँ पे बातें नहीं बना रहा बिकॉज अगर आप इस चीज़ को क्रॉस चेक करना चाहो तो आप मेरे क्वांटम फील्ड थ्योरी के स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जिसे स्वार्ज ने लिखा है उसके पेज नंबर 635 पे देख सकते हो, जिसमें चार्ज और पैरिटी जैसे सिमेट्री को ब्रेक करने वाले टर्म्स की वजह से कुछ ऐसे फिनोमिना भी पॉसिबल हो जाते हैं जिससे बारियन नंबर और लेप्टॉन नंबर इन दोनों के कंजर्वेशन का वायलेशन हो। ऐसे वायलेशन हमारे अर्ली यूनिवर्स में मैटर के क्रिएशन को पॉसिबल बनाते हैं। एंड स्ट्रेंज चीज़ तो ये है कि इस चीज़ को देखने के लिए हमें स्टैंडर्ड मॉडल के बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं। बायोजेनेसिस या लेप्टोजेनेसिस हमारे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के अंदर ही है, बट ये एक खास कंडीशन के ऊपर ही पॉसिबल है जिसे हम सैक्राकोव कंडीशन के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये तीन कंडीशन को सामने रखता है, इसमें से पहला है चार्ज और चार्ज पैरिटी का वायलेशन होना। मतलब अगर मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे से फंडामेंटल लेवल पर अलग हो एंड हमारा यूनिवर्स और उसका मिरर यूनिवर्स जिसमें हम मैटर को एंटी मैटर से रिप्लेस कर देते हैं, अगर ये दोनों यूनिवर्सेस भी एक दूसरे से फंडामेंटली लेवल पे अलग हैं तो ये हमारी कंडीशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा एंड इस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंटल लेवल पर टेस्ट भी कर चुके हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि बारियन नंबर एंड लेप्टॉन नंबर के कंजर्वेशन का वायलेशन हो, जो कि हमारे स्टैंडर्ड मॉडल में ही पॉसिबल है। एंड थर्ड वो ये है कि हमारे अर्ली यूनिवर्स में थर्मल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिविएशन हो, जिस चीज़ को हम एक्सपेक्ट करते हैं। वेल, आई बिलीव कि इसे आचार्य अग्निव्रत जी के पहले सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा जो कि यूनिवर्सिटी की क्वांटम फील्ड थ्योरी के स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में ही था। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा फोर्स है जो मैटर की इन्फाइनाइट डेंसिटी को क्रिएट कर सकता है एंड उसका ओरिजिन क्या है? अगर यहाँ पे मैं ये कह दूँ कि ये फोर्स कुछ और नहीं बल्कि खुद ग्रेविटी है तो मैं खुद प्रॉब्लम में आ जाऊँगा, बट नो, ऐसा कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता एंड ये क्वेश्चन एक मिसअंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है जो कि इस बात को अज्यूम करती है कि मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है एंड बायोजेनेसिस एंड लेप्टोजेनेसिस जैसे प्रोसेस को इग्नोर करती है। साधारण शब्दों में इस सवाल का जन्म
इग्नोरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है। बट नो वरीज, गलती तो हम सभी से होती है, राइट? एनीवेज, मूविंग ऑन। जीरो वॉल्यूम में मैटर के साथ किसी भी तरह का इंटरेक्शन होना कैसे पॉसिबल है? वेल अगेन, हम यहाँ पर द फिजिकल स्टेट ऑफ द यूनिवर्स इन द प्लैंक एरा नाम के रिसर्च पेपर को साइट करेंगे। इसमें इस बात की चर्चा की गई है कि इस वक्त मैटर था ही नहीं, एंड जब वहाँ पे किसी तरह का मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो उनके इंटरेक्शन की बात करना नासमझी होगी। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि इस पेपर का बेस खुद क्वांटम मैकेनिक्स है, वर्ड सैलेड नहीं, बट नॉनदलेस ये हमारे सवाल के जवाब को देता है जिसे हम सभी एग्री कर सकें। ऑलराइट देन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स हर इंटरेक्शन को उसके मीडिएटर पार्टिकल के एक्सचेंज के रूप में बताता है, तो ग्रैंड यूनिफाइड फोर्स का मीडिएटर पार्टिकल कौन सा है? गाइज, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका फील्ड बिना क्वांटम फील्ड थ्योरी के आपको नहीं आने वाला, बट स्टिल हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। हमारे यूनिवर्स में जो भी फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर काम करते हैं उनका जन्म मैथमेटिकल लेवल पे किसी न किसी सिमेट्री की वजह से होता है। अब एक पर्टिकुलर फोर्स के कितने मीडिएटर पार्टिकल होंगे ये उस सिमेट्री के जनरेटर पे डिपेंड करता है। जनरेटर्स, जो कि जैसा नाम वैसा काम, इन सिमेट्रीज को जनरेट करता है, एंड इनके नंबर को हम कुछ खास फॉर्मूले का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का जन्म U1 सिमेट्री की वजह से होता है, जिसके पास सिर्फ एक जनरेटर है एंड हेंस हमारे पास सिर्फ एक ही फोटोन है। वीक इंटरेक्शन का जन्म SU2 सिमेट्री की वजह से होता है, जिनके पास टोटल 3 जनरेटर्स है एंड हेंस 2 W बोजॉन एंड 1 Z बोजॉन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जन्म SU3 सिमेट्री की वजह से होता है, जिसके पास टोटल 8 जनरेटर्स हैं एंड हेंस हमारे पास 8 तरह के ग्लुओन्स। सिंपली पुट, यूनिफाइड फोर्स का मीडिएटर पार्टिकल भी उनके सिमेट्री ग्रुप का जनरेटर होगा, जिस चीज़ को रियलाइज करने के लिए हमें वापस से मैथमेटिकल लेवल पे जाना होगा। बट कोई बात नहीं, इस चीज़ को हम फ्यूचर के कुछ वीडियोस में एक्सप्लोर भी करेंगे एंड आपको उसके मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत फील भी दिलाने की कोशिश करेंगे। एनीवेज, मूविंग ऑन। वो कौन सा फोर्स इतना पावरफुल है कि बिग बैंग को करवा सकें? मैन, बिग बैंग किसी भी तरह से एक्सप्लोजन नहीं था, एंड ये कैसे हुआ इस चीज़ के बारे में जेन्युइनली हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है। इस वक्त ये बस एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है जिसे सिर्फ मैं दूसरे थियोरेटिकल मॉडल का यूज़ करके ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्ट्रिंग थ्योरी में ब्रेन कॉस्मोलॉजी की मदद लूँ तो इस बिग बैंग का कारण कुछ और नहीं, ब्रेन्स का कोलिजन है, जो कि ग्रेविटॉन और डिलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की वजह से पॉसिबल होता है। या फिर मैं लूप क्वांटम ग्रेविटी की मदद लूँ तो वहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा यूनिवर्स एक साइक्लिक लूप में ट्रैप्ड है जिसमें बिग बैंग कई बार होता आया है। हालांकि इनमें से कोई भी मॉडल हमारे बिग बैंग के ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स के साथ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करती, बट अगर आप बिग बैंग की इस डेफिनेशन को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल हो तो आप जनरल रिलेटिविटी की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, जिसे सॉन कैरल ने लिखा है, उसके पेज नंबर 340 पर देख सकते हो। हालांकि ये बुक सिंगुलैरिटी की बात करती है, जिसका कारण जनरल रिलेटिविटी का क्लासिकल थ्योरी होना है। ये क्वेश्चन हमारे लिए ऑब्वियस इसलिए लगता है क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन को फैक्ट समझने की गलती की वजह से क्रिएट हुआ है। बट कोई बात नहीं, डाउट्स सॉल्व करने के लिए तो हम इधर बैठे ही हैं। एनीवेज, मूविंग ऑन। इन्फ्लेशन का कारण क्या था? ओह मैन, ये हुई ना बात। आपने क्वेश्चन तो इन्फ्लेशन के ऊपर किया है, बट शायद आप भूल गए कि इन्फ्लेशन भी एक थ्योरेटिकल एरिया ही है। इसका कॉज इन्फ्लेटॉन नाम का फील्ड है, जिसके डीके होने की वजह से इन्फ्लेशन को ड्राइविंग फोर्स मिली। ये डीके फॉल्स वैक्यूम में होने की वजह से हुआ था, जो कि काफ़ी हद तक हिग्स फील्ड की याद दिलाता है, एंड इसलिए कई फिजिसिस्ट इस बात पर बिलीव करते हैं कि इन्फ्लेटॉन कुछ और नहीं बल्कि हिग्स फील्ड खुद है। अगर आप इसके मैथमेटिकल पार्ट में भी इंटरेस्टेड हो तो इस चीज़ को भी आप कैरल की जनरल रिलेटिविटी वाली बुक में स्टडी कर सकते हो। मूविंग ऑन। अगर इन्फ्लेशन एंटी ग्रेविटी की वजह से हुआ है तो एंटी ग्रेविटी किस वजह से क्रिएट होती है? वेल, आपको तो पता ही होगा कि ग्रेविटी स्पेस टाइम का कर्वेचर है। अब कर्वेचर सिर्फ एक तरह का तो नहीं होता, एंड वो अलग अलग तरह के सोर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ऐसा ग्रेविटेशनल सोर्स हो जो कि नेगेटिव प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो ऐसे ग्रेविटेशनल सोर्स हमारे इन्फ्लेशन या यूनिवर्स के एक्सपेंशन को डिराइव कर सकते हैं। इसे आप जनरल रिलेटिविटी के दूसरे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, जिसे बर्नार्ड स्कूच ने लिखा है, उसके पेज नंबर 371 पर भी देख सकते हो। ये सभी अपने फील्ड के स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं,
एंड अगर आप गूगल पे जाकर इस बात को सर्च करते हो बुक्स ऑन जनरल रिलेटिविटी, तो आपको ये फर्स्ट रिजल्ट में ही देखने को मिल जाएंगे। बट एनीवेज मूविंग ऑन, इन्फ्लेशन फील्ड कब और कैसे बना एंड इसका सोर्स क्या है? एज फार एज वी नो, ये क्वांटम फील्ड्स का जन्म नहीं हुआ, इंस्टेड ये हमेशा से एग्जिस्ट करते आए हैं। जब हम बिग बैंग एंड यूनिवर्स के क्रिएशन की बात करते हैं, तो हमारा मतलब हमारे आसपास की चीज़ें जो हमें आज दिखाई देती हैं उनके क्रिएशन के सेंस में होता है। इन्हें बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए, जैसे कि क्वांटम फील्ड या फिर स्ट्रिंग या डीप ब्रेन्स, ये सभी हमेशा से एग्जिस्ट करते आए हैं एंड इनके डायनामिक्स को हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, जो कि गिवन एनफ टाइम हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को जन्म दे सकती है। बट अगर आप इस वर्ड के इंग्लिश वाले मीनिंग को पकड़ोगे, तो ऑब्वियसली अपने पर्सनल बायस की वजह से कुछ ना कुछ मिसकॉन्सेप्शन तो आएगा ही। आफ्टर ऑल, कुछ वीडियोस पहले मैंने इस बात को बताने की कोशिश भी की थी कि मैथ्स के एब्स्ट्रैक्ट होने की वजह से एंड उसके क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन करने की एबिलिटी की वजह से ये हमारे फिजिक्स का लैंग्वेज है। अदरवाइज हम फिजिक्स इंग्लिश या हिंदी या फिर संस्कृत के लैंग्वेज में भी लिख सकते थे। मूविंग ऑन, अब जो दो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, इन दोनों को हम एक साथ आंसर कर सकते हैं एंड बेसिकली वो इस चीज़ को पूछते हैं, सिमेट्रिक ब्रेकिंग क्या है, इसका कारण क्या है और क्या कोई फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर इसके लिए जिम्मेवार है? स्पॉन्टेनियस सिमेट्रिक ब्रेकिंग या सिमेट्रिक ब्रेकिंग फॉर शॉर्ट, एक मैथमेटिकल मेथड है जिसमें हम हिग्स फील्ड की कुछ वियर्ड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमारे सिस्टम की सिमेट्री को छुपा देते हैं। ऐसे करने के कुछ फ़ायदे तो ज़रूर हैं, इससे हमारे सिस्टम के गेज बोजॉन अचानक से मास गेन कर लेते हैं, जो कि हिग्स कपलिंग या हिग्स के साथ होने वाले इंटरेक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। इस चीज़ को हम टेक्निकल लेवल पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट आई थिंक उसकी वजह से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस सिमेट्री ब्रेकिंग के करवाने के पीछे किसी भी फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर की यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये सिमेट्री ब्रेकिंग सिर्फ एक ही छोटे से फैक्ट पर डिपेंड करता है और वो ये है कि हिग्स के पास नॉन जीरो वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, अनलाइक अदर फील्ड्स। साधारण शब्दों में हिग्स का ग्राउंड स्टेट उसका रियल वैक्यूम स्टेट नहीं होता एंड इस वजह से हमें कुछ नई चीज़ें एंड न्यू डायनामिक्स देखने को भी मिलती हैं। मूविंग ऑन, जस्ट लाइक आवर लास्ट क्वेश्चन, अब ये जो दो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं इन्हें भी हम एक साथ आंसर कर सकते हैं। फोर फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर किस प्रोसेस में एक दूसरे से अलग हुए थे? वेल, इस प्रोसेस का नाम है स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग, जो एक तरह से हिग्स मैकेनिज्म से मिलता जुलता है। इस चीज़ को आप इंट्रोडक्शन टू गेज फील्ड थ्योरी नाम की बुक में पेज नंबर 307 पर पढ़ सकते हो, जिसका आइडिया काफ़ी सिंपल है। कुछ ऐसे वैक्यूम डिकेज जो हमारे यूनिफाइड सिमेट्री ग्रुप, जिसकी वजह से यूनिफाइड फोर्स का जन्म होता है, वो छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है, जिससे हमारे यूनिवर्स का सिमेट्री किसी तरह से हाइड हो जाता है। उसी सिमेट्री के हिडन होने की वजह से हमें एक यूनिफाइड फोर्स के चार अलग अलग आस्पेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसे हम स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग कहते हैं एंड इस चीज़ को हमने काफ़ी अच्छे लेवल पे मैथमेटिक्स में स्टडी भी किया है। मूविंग ऑन, 10^-43 सेकेंड पे यूनिवर्स में एनर्जी किस स्टेट में था? इस सवाल का जवाब हमें सेम ऑल पेपर द फिजिकल स्टेट ऑफ द यूनिवर्स इन द प्लैंक एरा में ही है। बेसिकली इस वक्त कोई मैटर था ही नहीं, इसलिए एनर्जी सिर्फ स्पेस टाइम एंड दूसरे क्वांटम फील्ड्स में ही थी, जो कि गेज इंटरैक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी। ऑब्वियसली इस वक्त कुछ और तो हो नहीं सकता था। अब बिना मतलब के फैक्ट्स को उठाकर, जो कि एक्चुअल में फैक्ट्स है ही नहीं, एंड उन्हें एक फिजिकल थ्योरी को डिबंक करने में यूज़ किया जाए, जो कि किसी भी तरह से उस थ्योरी का पार्ट भी नहीं है, ये हमारे इनएबिलिटी को दर्शाते हैं कि आप कितने अच्छे तरह से मॉडर्न फिजिक्स को समझते हो। एनीवेज मूविंग ऑन, अगर ये एनर्जी फोटोन के रूप में थी, तो उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन भी होना चाहिए था। बट अगर ऐसा होता तो उस वक्त ग्रैंड यूनिफिकेशन नहीं होना चाहिए था, राइट? फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का गेज बोजॉन है, बट यूनिफिकेशन के समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गेज बोजॉन नहीं थे। इंस्टेड उस वक्त सिर्फ यूनिफाइड फोर्स के गेज बोजॉन ही थे जो इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। एंड इसके बाद जब सिमेट्री ब्रेकिंग हुई, जिससे यूनिफाइड फोर्स का गेज ग्रुप स्मॉलर गेज ग्रुप में डिवाइड हो गया, या दूसरे शब्दों में हमें यूनिफाइड फोर्स के चार अलग अलग आस्पेक्ट देखने को मिले, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक इंटरेक्शन और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। इसलिए ये क्वेश्चन तो सही है, बट प्रेमिस गलत। ऐसे क्वेश्चंस को फिजिसिस्ट के पास भेजकर उनका टाइम वेस्ट करने के बजाय एंड इतना बड़ा ढिंढोड़ा पीटने के बजाय कि मेरे सवालों का जवाब किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है, अगर अग्निव्रत जी एंड उनके फॉलोअर्स ने इन बुक्स को उठा लिया होता एंड स्टडी किया होता,
जिन्हें खुद इन फिजिसिस्ट्स ने ही लिखा है, तो शायद आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। बट एनीवेज, इस वीडियो के अब हम लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, जिसे अग्निव्रत जी ने बिग बैंग के खिलाफ उठाया। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिफाइड फोर्स में सबसे पहले अलग हुआ था, जबकि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम में होने वाला कर्वेचर है। तो फिर असल में ग्रेविटी है क्या? ये क्वेश्चन काफ़ी मायनों में बहुत ही रोचक है, एंड इसका जवाब मुझे स्ट्रिंग थ्योरी की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, जिसे जोसेफ पोलचिंस्की ने लिखा है, उसमें मिला। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जिस ग्रेविटी को स्पेस टाइम का कर्वेचर बताया था, उसी ग्रेविटी को स्ट्रिंग थ्योरी या दूसरे मॉडल जिसमें ग्रेविटॉन्स इमर्ज होते हैं वो ग्रेविटॉन कंडेंसेट के रूप में देखती है। दूसरे शब्दों में, ग्रेविटॉन का कंडेंसेट एंड स्पेस टाइम का कर्वेचर एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मैथमेटिकली भी और फिजिकली भी। एंड जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में फोर्स की बात करते हैं तो हमेशा हमारा मतलब इंटरैक्शन से होता है। एनीवेज, अब बिग बैंग के ऊपर कुछ और भी क्वेश्चन आचार्य अग्निव्रत जी के पास हैं, तो उन्हें भी आंसर करने के लिए हम इधर बैठे हैं, एंड इन्हें आप हमारे पर्सनल मेल पे भेज सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एंड कुछ न्यू सीखने को मिला तो इसे लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल वी मीट अगेन, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।